satsriakal ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਦ 6th ਡੇ ਆਫ ਮਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿਆ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਸ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦ ਚੇਂਜਸ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਸ ਬਾਕੀ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਲੈਟਸ ਗੋ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 76 ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ 80 ਕੇਜਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 6th ਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੈਸ ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 4 ਕਿਲੋ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਫੋਰ ਦੈਟ ਲੈਟ ਸੀ ਅਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਾ ਵਰਕਆਊਟ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਸੋ ਗਾਈਸ ਕਮ ਔਨ ਆਓ ਫਿਰ ਲਾਈਏ सो गाइस ये मेरे वार्म अप पुशअप्स हैं आप जब तक लगाना होता है आपके शोल्डर्स भर नहीं जाते लाइक यू विल यू फील पम्प्ड हाथ आपके ऐसे क्लोज रहेंगे राइट और डायरेक्टली शोल्डर्स के नीचे फर्स्ट एक्सरसाइज इसको कहते हैं फ्रंट मिलिट्री प्रेस यूजुअली लोग गलत करते हैं मैं किसको सही नहीं करा रहा हूँ जो सही भी करता है वो भी ठीक है आई डोंट नो मैं कैसे मारता हूँ मैं बस आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ सी आपके जो हाथ हैं शोल्डर्स वो बिल्कुल शोल्डर के सामने होने चाहिए ओके इसको वाइड नहीं करना सामने रखो और इसको अब हम स्टार्ट करते हैं लेट मी शो यू गाइस कैसे लगाते हैं इसको ये सामने से आएंगे आपके हाथ ना फ्रंट का मतलब यही है ये सामने से आएगा चिन तक और फिर आप इसको प्रेस करो ये आप स्मिथ पे लगा सकते हो नॉर्मल बार से लगा सकते हो ये आपके ऊपर है इसको चिन तक लेके आना है फिर इसको प्रेस करना और प्रेस करते हुए पूरा ऊपर जाना गाइस जो मेरे कोच हैं उन्होंने मेरे को ऐसा ही बताया है तो मैं उनकी सारी बात मानता हूँ और आज तक मेरे को बाबा जी की मेरे से रिजल्ट्स मिलते आ रहे हैं सो गाइस इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ सामने आना है चिन तक उसके बाद प्रेस करना है ऊपर तक That's it. Simple logic. ये एक्सरसाइज प्लीज सारे ध्यान से देखना ये एक्सरसाइज बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है मेरे शोल्डर्स के लिए तो भाई लाइक दिस इज द किलिंग एक्सरसाइज प्लीज इसको ट्राई जरूर करना चार रेप्स साइड रेस इसके बाद सीधा चार रेप्स फ्रंट रेस ये हमारा एक राउंड हुआ हमारे को ऐसे तीन राउंड लगाने हैं वेट आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो मैंने 2.5 ही लिया है हल्का उठाता हूँ मैं ओके गाइस आज मैं एब्स भी लगाने जा रहा हूँ या ट्वाइस अ डे ट्वाइस अ वीक सॉरी मैं एब्स लगाऊंगा ओके सो दिस इज़ माय रूटीन मैं ज़्यादा एब्स नहीं मारता हूँ आई डोंट नो व्हाई बट मैं ज़्यादा मेरे को एब्स ज़्यादा लगानी पसंद नहीं है बट अभी नहीं श्राइडिंग में मैं अच्छे से एब्स निकालूंगा अपनी राइट नाउ बस मैं अपनी मसल्स एब्स मसल की कंडीशनिंग करता हूँ इसलिए एब्स लगा रहा हूँ ये मेरी दो पर्सनल फेवरेट एक्सरसाइजेज हैं जो मैं वेडनेसडे और सैटरडे लगाता हूँ सैटरडे को चेंज करता हूँ बट या वेडनेसडे लगाता हूँ ओके सो गाइस
सो गाइस ये आज की लास्ट एक्सरसाइज है डिक्लाइन लेग रेस. बहुत इफेक्टिव है लोअर एब्स के लिए. प्लीज ट्राई इट वंस. सो गाइस आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट. आज हमने हिट करे हैं शोल्डर्स. मेरे तो बहुत ज़्यादा पम्प्ड हो रखे हैं. अब बात कर लेते हैं रेपिटेशंस और सेट्स की. फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लगाई मिलिट्री प्रेस फ्रंट. उसके चार सेट लगाने हैं 8 से 10 रैप्स. गाइस मैं ये मेन बात बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम सिर्फ गेनिंग मोड के लिए है. अगर आप लीनिंग पे भी हैं तो आप 16 रैप्स से 20 रैप्स लगा सकते हैं. एक्सरसाइज अगर सेम रखें तो इट वुड बी गुड. ओके सो सेकेंड एक्सरसाइज हमने लगाई साइड रेस और फ्रंट रेस ऑल्टरनेट में. इसका सुपर सेट कह सकते हो आप. बट द थिंग इज रेपिटेशंस जैसे मैंने उसमें बताया है आपको वैसे ही लेने हैं. 4 rounds 4 reps साइड रेस, 4 rep फ्रंट रेस. इसके 3 round लगाने हैं. दैट वुड मेक योर 1 set. ओके सो आप लोगों को कैसे 3 set लेने हैं. 3 set में लग जाएगी. ओके सो अगली एक्सरसाइज हमने लगाई थी डंबल से अपराइट रो. ओके उसके भी सेम 4 sets 8 to 10. इसमें ज़्यादा हैवी वेट नहीं जा पाएगा. ट्राई करना अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी है डंबल्स की. एक डंबल ऊपर एक डंबल नीचे नहीं जाना चाहिए. और सबसे एंड में हमने लगाई है पुली मशीन पे श्रक्स लगाए हैं. आई प्रेफर दैट क्योंकि इजीली है लग जाते हैं उस पर. श्रक्स के टाइम पे मैं बहुत आलसी हो जाता हूँ. सो या गाइस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है राइट. सबसे स्टार्टिंग में हमने वार्म अप पुशअप्स लगाए थे. डोंट फॉरगेट दैट आपके अगर शोल्डर इंजरी से आपको बचना है तो वार्म अप शोल्डर का करना बहुत ज़रूरी है. बहुत 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 ज़रूरी है. और एंड में गाइस हमने लगाए थे एब्स. थोड़ा सा ट्रेन करा था एब्स के. आप लोग 20-20 के 5 sets लगा सकते हो. लाइक 20 ऑफ डिक्लाइन क्रंचेस एंड 20 ऑफ लेग रेस. डिक्लाइन लेग रेस दैट वुड बी इनफ. एंड गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा मील डिज़ाइन ज़रूर मिलेगा. मैं बताऊँगा मैंने क्या खाया और कैसे मैंने 6-7 दिन के अंदर 4 kilo गेन करा है. यस मैंने 6-7 दिन के अंदर 4 kilo गेन करा है. एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन फोटो देख सकते हो. वीडियो क्लिप मैंने डाल दिया है स्टार्टिंग में. प्लीज़ वॉच इट गाइस. और आप फर्स्ट वीडियो को कंपेयर जरूर करना. दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज़ चेक आउट दिस वर्कआउट एंड प्लीज़ लीव योर कमेंट्स डाउन. आप मेरे को बताना कैसा लगा. टेक केयर.